चीन और पाकिस्तान की दोस्ती कौन नहीं जानता। भारत से भी चीन ने दोस्ती के बहुत सारे वादे किए, इरादे भी जताए, लेकिन पाकिस्तान की खातिर वो कई दफे भारत के साथ गद्दारी कर चुका है। एक बार फिर से चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान का साथ देने के लिए भारत के साथ गद्दारी की है। पूरा मामला क्या है, अब ये भी समझिए। चीन ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ग्लोबल आतंकी नामित करने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। मक्की को आतंकी घोषित करने के लिए 1267 इस्लामिक स्टेट और अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत प्रस्ताव रखा गया था। रिपोर्ट्स जो आई हैं उसके मुताबिक चीन ने इस प्रस्ताव को अंतिम क्षण में ही बाधित कर दिया। मक्की लश्करे तैयबा के सरगना और 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद का रिश्तेदार भी है। मक्की लश्करे तैयबा के टॉप नेताओं में से एक है। अमेरिका ने मक्की को आतंकी घोषित कर रखा है और उस पर $2 मिलियन का इनाम भी रखा है। मक्की पाकिस्तान में भारत विरोधी भाषण देने के लिए मशहूर है। मक्की कई आतंकी संगठनों से भी जुड़ा रहा है और युवाओं को आतंक के रास्ते पर लाने के लिए वो जाना जाता है। युवाओं को आतंकी रास्तों पर गुमराह करना उसका मुख्य पेशा है। माना जाता है कि मक्की का तालिबान नेता मुल्ला उमर और अलकायदा के आयमान अल जवाहिरी से बेहद करीबी संबंध है। 2017 में अब्दुल रहमान मक्की के बेटे ओवैद रहमान मक्की को जम्मू और कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन में मार गिराया था। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान का साथ निभाने के लिए भारत के साथ गद्दारी की हो। चीन ने इससे पहले भी भारत और अन्य देशों द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादियों को सूचीबद्ध करने की कोशिशों पर अड़ंगा लगाया है। भारत ने मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र में एक बड़ी राजनयिक जीत हासिल की थी जब पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया था। चीन ने मसूद अजहर को भी वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की प्रक्रिया में ठीक इसी तरह बाधा पहुंचाई थी। अगर चीन ने ऐसा नहीं किया होता तो आज मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जा चुका होता। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और भारत के साथ वो हमेशा अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहता है। आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अमेरिका ने भी मक्की को आतंकवादी घोषित कर रखा है और चीन ने एक बार फिर से मक्की को आतंकवादी घोषित करने की राह में रोड़े अटकाए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में इसका असर वैश्विक रिश्तों पर क्या होता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।